इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसा पेश आता है। एक लैंड क्रूजर जो गाड़ी है ये बताई जाती है शमाला तारिक जो सबका एमएनए भी है उसमें से एक गाड़ी थी जिसने ये कुचल दिया मेहरान गाड़ी, उसमें चार लोगों की डेथ हो जाती है। ये ईएनएफ का टेस्ट देने आए थे लेकिन रियासत ने उन्हें बता दिया हमारे जो लाटने हैं ना ये अगर आपको कुचल छुचल दे रहे तो आप शुक्र अदा करें। हो सकता है आपको ये कहें कि आप 60 लाख वाली गाड़ी ने नहीं कुचला, 1.25 करोड़ वाली गाड़ी ने कुचला। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूं फारूक शबाज बराइज, पीर और मंगल की दरमियानी शब में। यहां पर जहां पर मैं खड़ा हूँ इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसा पेश आता है। एक लैंड क्रूजर मुबैना तौर पर जो चार अफराद हैं इसमें जहाँ भाग हो जाते हैं और एक उनका साथी शदीद जख्मी है, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। ये जो गाड़ी है ये बताई जाती है कि वफाकी मोतसिब राय हरासानी शमाला तारिक जो सबका एमएनए भी हैं उनकी गाड़ी थी। उनकी गाड़ी का काफिला जो था उसमें से एक गाड़ी थी जिसने ये कुचल दिया मेहरान गाड़ी को, उसमें चार लोगों की डेथ हो जाती है। इस मौके पे जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर हुआ क्या असल में, और इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर और हर जगह पर शदीद रद्दअमल पाया जाता है इस वाक़े के ऊपर, लोग इसके ऊपर चहमगोइयाँ भी कर रहे हैं। और एक अपडेट ये भी है कि उनका जो बेटा है अजलान उसको बुरी जमानत पर रिहा भी हो चुका है। इस मामले के आगे चल के मुस्तकबिल क्या हो सकता है और ऐसे मामलात में जो ड्राइवर है उसकी गफलत साबित हो तो फिर क्या इसका मुस्तकबिल होता है, इसके बारे में और यहाँ पर जो हादसा हुआ उसकी क्या मालूमात है। मेरे साथ सहाफ़ी सैयद ओन शिराज़ी साहब और नौजवान वकील इमरान फरोज़ साहब मौजूद हैं। ये जो मामलात है ना वफाकी दारुल हुकूमत में पहले भी बहुत होते थे लेकिन अब इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी शायद एक वजह यह भी है जो कि एक्शन नहीं होता है। अगर आप उसामा का केस देख लें तो उसामा के केस में हमें कोई एक्शन, बल्कि वफाकी वजीर जो हैं शेख रशीद साहब दाखला के, उन्होंने वफाकी काबीना में बाकायदा तौर पर यह फरमाया कि जनाब ऐसे छोटे मोटे वाक़ात होते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये वाक़ हुआ है, इसमें बड़े नाम है और बड़े नामों की वजह से आपने ये देख लिया कि जमानत हो गई जी, कबल आज गिरफ्तारी होगी। पुलिस ने पूरा टाइम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह किसी गरीब का बच्चा हो ना सबसे पहले ये करते हैं उसकी माँ को उठाते हैं, बाप को उठाते हैं, भाई को उठाते हैं, बहन को उठाते हैं, मुलजम पेश करें, मुलजम एफआईआर में नामजद है। आपने मुलजम को जनाब साइड पर रखा हुआ, आपने उसकी जमानत करवा दी और उसके बाद यहाँ पे इस्लामाबाद में जो गरीब है ना ये चार लोग आए थे, ये ईएनएफ का टेस्ट देने आए थे यहाँ पे नौकरी की खातिर, कहाँ से मनसारे से आए, और वो गरीब यहाँ पे इसलिए आए कि उनका मुस्तकबिल रोशन हो जाए। लेकिन रियासत ने उन्हें बता दिया, रियासत ने उन्हें ये बताया कि अगर आप अपना मुस्तकबिल रोशन करना भी चाहते हैं तो हमारे जो लाडले हैं ना यानी ये अमीर जो करोड़ों की गाड़ियों में फिरते हैं इनको ये अगर आपको कुचल छुचल दे रहे तो आप शुक्र अदा करें। हो सकता है आपको ये कहें कि आप 60 लाख वाली गाड़ी ने नहीं कुचला, 1.25 करोड़ वाली गाड़ी ने कुचला। फिर पीछे इतना बड़ा प्रोटोकॉल उस अंदाज में फिर यहाँ पे लोगों का हरासा किया गया, हुआ क्या मौके पे क्या हुआ? उनका बेटा भी वीडियो में किसी में नजर आ रहा है जिसमें लोग उसे कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया है, बंदे मार दिए हैं, और यहाँ पर क्या माहौल हुआ था? सर देखिए प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ थी जो पीछे चल रही थी, यहाँ पे हादसा होता है ये अभी तक आप देख लेना अभी तक ये सारे बाकियात पड़े हैं। बल्कि यहाँ पे एक सिगरेट की डब्बी में देख रहा था किसी गरीब मस्कीन की थी, 3-4 सिगरेट थे। क्या आप कश्माला तारिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मौका भी उन्होंने दिया कि वो उनका बेटा गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था, वो भी उसी काफिले में मौजूद थी लेकिन उन्होंने मौके पे एम्बुलेंस मंगवाई, उनको जख्मियों को मुंतकिल करवाया, एक मोटरसाइकिल भी वो भी हिट हुई। अब कश्माला तारिक का दुख सबको होगा लेकिन वो चार बच्चे जो मरे हैं उनकी भी माँ है, बहन है, बेटियाँ हैं, वो भी इसी रियासत को टैक्स देते थे, इसी रियासत के इदारे उनके लिए। मैं आपकी तरफ भी रहता हूँ इमरान फरोज साहब, क्या कानूनी नुक्ता नजर क्या है जब कोई इस तरह से ड्राइवर हिट करता है मौके पे, चार लोगों की डेथ हो जाती है, क्या हो सकता है कानूनी नुक्ता नजर क्या है इस हवाले से? अच्छा, इस हवाले से हमारे पास दो सेक्शंस ऑफ लॉ मौजूद हैं। एक सेक्शन 322 है जो कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो फिर उस सूरत में आप पे सेक्शन 322 का इतलाक किया जाता है, और अगर जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसने कोई गाड़ी हिट की है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो ये 320 पाकिस्तान पिनल कोड का केस बनता है। अब अनफॉर्चुनेट पोजीशन ये है कि इनको हम कत्ले खता और कत्ले बिसबब कहते हैं, और इन दोनों ऑफेंसेस में जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है एक में सिर्फ दियत पनिशमेंट है और एक में दियत के साथ 6 महीने कैद की जो सज़ा है वो। और अगर सूरत में है कि लाइसेंस मौजूद हो ड्राइवर के पास जिससे हिट हुआ है? जी नहीं, अगर तो आपके पास लाइसेंस मौजूद है तो सिर्फ दियत सजा है और वो बेलेबल ऑफेंस है।
बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि जैसे अब उन्होंने प्री अरेस्ट बेल करवा ली है तो अब उनका राइट है कि उनको बेल मिलनी है, किसी सूरत में अब उनकी बेल रिफ्यूज़ नहीं हो सकती अगर उसके पास एक वैलिड लाइसेंस मौजूद है। अगर उसके पास वैलिड लाइसेंस मौजूद ना हो तो 322 का केस बनता है, उसमें दियत के साथ 6 महीने कह दे लेकिन वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो यहाँ मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ थी और उनके जो ड्राइवर्स थे मे बी वो सरकारी मुलाजम हो, तो गालिब इम्कान ये है कि उनके पास लाइसेंस मौजूद होगा, और अगर उनके पास लाइसेंस मौजूद है तो स्टेट अगर चाहे भी तो अब उनकी बेल रिफ्यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि लॉ ये कहता है कि ये बेलेबल ऑफेंस है और उनका राइट है कि उनको बेल मिलेगी। जो इब्तदाई रिपोर्ट होती है उसमें ये चीज़ें मेंशन हो जाती हैं कि क्या लाइसेंस मौजूद था, उसको चेक किया गया नहीं किया गया, क्योंकि ये मामला तो बाद में किस तरह से साबित किया जा सकता है इस सिचुएशन में, क्योंकि एक्यूज़ वहाँ से अरेस्ट नहीं हुआ और अब उसने प्री अरेस्ट बेल करवा ली और अब वो शामिल तफ्तीश होंगे, तो जो भी उनका डिफेंस है ये भी एक डिफेंस है कि जी मेरे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, तो अब वो इस स्टेज पे अपना लाइसेंस पेश करेगी और पुलिस आफ्टर वेरिफिकेशन एक रिपोर्ट सबमिट करेगी कोर्ट में कि इनका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड था या ये जेन्युइनली इशू हुआ था या नहीं हुआ था, तो वो रिपोर्ट अब उनकी बेल करवाने के बाद जब वो शाम तफ्तीश होंगे तो वो पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। आप ये कह रहे हैं, मैं जो सादा अल्फाज में समझ सका हूँ वो ये है कि अगर इसमें लाइसेंस वगैरह मौजूद है तब ये बेलेबल ऑफेंस है, और अगर नहीं है तो फिर ज्यादा से ज्यादा 6 माह की कैद हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक, और उस सूरत में वो नॉन अवेलेबल भी होगा और उसमें चांसेस होते हैं कि बेल रिफ्यूज कर दी जाए। इसमें सारा कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो ड्राइव कर रहा है उसके ऊपर ही आता है सारा मामला। देखिए उसमें उस हवाले से कुछ जजमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो जजमेंट्स ऐसे हैं कि अगर किसी ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है और ओनर ने फिर भी उसको ड्राइव करने दिया है तो फिर ओनर की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसने एक इलीगल काम की परमिशन दी है। फिर क्या हो सकता है? फिर ओनर के खिलाफ भी सेक्शन 212 की कार्रवाई हो सकती है इन केस कि अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है, लेकिन अगर ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो तो ड्राइवर ही रिस्पांसिबल है और उसके खिलाफ 320 की कार्रवाई होगी। ठीक होगा। सोशल मीडिया पे शदीद रद्दअमल है, इससे पहले भी यहाँ पर वाकयात, क्या मसला क्या है? यहाँ पर हादसा तो होते हैं शायद इस तरह से हाईलाइट नहीं होते, यहाँ पर लोग बड़ी स्पीड में ट्रैवल करते हैं, क्या वजह है? फर्क देखिए, इशराफिया है, गरीब के बच्चे मरे, एक गरीब ड्राइवर को मुकाबले में खड़ा कर दिया गया, इशराफिया फिर साइड पे होगी। ये शुरू से इसी तरह हो रहा है, गरीब के बच्चा इधर भी मरेगा, अगर अंदर जाए तो वो ड्राइवर जाएगा ना, वो जनाब किशमाला तारा है उनका बेटा, वो सारे तो महफूज है ना, FIR में होने के बावजूद कानून उन्हें बचा देगा, वो साइड पे हो जाएंगे। ये इस साइड पे जाए ना, अगर यहाँ पे सारे मतलब पार्टी वाले, और जो अगर आप कहें कि मुख्तलिफ फ्लैट्स हैं, बड़े बड़े हाइट्स हैं जहाँ पे पार्टी होती हैं, यकीनी तौर पे वो पार्टी करने जा रहे थे या पार्टी करने आ रहे होंगे, क्योंकि ये एरिया जो है इसी हवाले से मशहूर है। रद्दअमल शदीद है और पब्लिक ये चाहती है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, सही तरह से किया जाए, लेकिन तहफ़ुज़ात भी है लोग। ये आप जो पावरफुल वाली बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में तासुर है कि कानून जो है शायद वहाँ पर ठीक तरह से अपना रास्ता नहीं ले पाता। जब कोई बासर आदमी सामने आ जाए क्यों नहीं ले पाता? आपने सानिया सहवाल देख लिया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा मैं कतर से वापस आऊंगा, निशाने इबरत बना दूंगा। क्या हुआ? सुलह हो गई। सुलह क्यों हुई? क्योंकि वो सारे लोग पीछे हट गए, वो गरीब खानदान किस हद तक चलता, पहले कहा गया दहशत गर्द है, ये शुक्र करे कि साफी यहाँ पे पहुंच गए, वरना ये कहा जाता ये तो हमला किया गया, शायद ये भी कहा जाता ये तो जी उनके सामने आ गए, ये तो सिक्योरिटी थ्रेट था। तो ये सूरत हाल जो है इसे बदलना होगा, कानून बदलना होगा, और ये जो दो पाकिस्तान है ना, अमीर का अलग पाकिस्तान, गरीब का अलग पाकिस्तान, इस पे कम अज कम तब्दीली आनी। आंखों में ख्वाब लिए यहाँ पर 5 लोग आते हैं और 4 लोग अल्लाह के पास चले जाते हैं, ANF का वो टेस्ट देने आए थे और मुस्तकबिल का ख्वाब था उनकी आंखों में, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं पीछे से आपको दिखाएंगे भी कि ये देखें कि अभी तक उसके आसार मौजूद हैं उस एक्सीडेंट के जिसमें 4 लोगों की जान चले जाती है। जो कानूनी इस पर ओपिनियन है वो भी आपके सामने रख दी है और जो यहाँ की मालूमात है वो भी आपके सामने रख दी है। किशमाला तारिक साहिबा से हमने बारहा मौक़ लेने के लिए रब्ता किया था, उनके कुछ लोगों ने यह कहा कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वही उनका मौक़ है और वो मौक़ मैं अपनी गुफ्तगू में पेश कर चुका हूँ। अपने मेज़बान फरूख शहबाज़ बराइज को श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।